ये इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं, यानी ये मूर्तियाँ आपकी आस्था और पर्यावरण दोनों को बचाने वाली हैं। देखने में बेहद आम सी लगने वाली इन मूर्तियों को बनाने में उसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कोयम्बटूर में इन मूर्तियों को बनाने में लाल रेत का इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर मसूर के बीज को भरा गया है। इसे बनाने वाले एनजीओ कोवई कुलांगल पादुकप्पू का दावा है कि ये मूर्तियां पानी में डालते ही एक घंटे में घुल जाएंगी और इसमें भरे गए बीज जलीय जीवों का भोजन बन जाएंगे, और अगर इन्हें पानी में ना डालकर किसी खुली जगह पर रख दिया गया तो कुछ दिनों में इनसे पौधे निकल आएंगे। இந்த வருஷம் ஒரு 1000 சிலைகள் பக்கம் வந்து நாங்க பொதுமக்கள் விநாயகப்படுத்துறதுக்காக வந்து தயார் பண்ணி விநாயகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 6-7 இடங்கள்ல எங்க தன்னார்வலோட உதவியோட நாங்க சிலைகளை வந்து பொதுமக்களுக்கு விநாயகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். தமிழ்நாடு கி இன் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மூர்த்தியோ கே பாத் அப் ஹம் ஆப்கு திகாதே ஹே குஜராத் கே வடோதரா கி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மூர்த்தியோ கோ देखने में बेहद आकर्षक इन मूर्तियों को गाय के गोबर से तैयार किया गया है जो पानी या जमीन पर कहीं भी विसर्जित किए जाने पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस गोबर के जो मूर्ति है इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हम पर्यावरण की शुद्धि कर सकते हैं। इससे हमारा जो मूर्ति है हम अगर उसको विसर्जन करने के लिए तालाब में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही बाल्टी के अंदर टब के अंदर करके इसको विसर्जन करें और इससे जो पानी आता है वो अपने पेड़ों पर छारों पर छोड़ पर डालें तो वो एक आपका एक खाद भी बन जाएगी और उनको आशीर्वाद भी देगा। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है सभी जगह, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, सभी जगह से इसका मूर्तियों का बहुत डिमांड हो रहा है। इन इको फ्रेंडली मूर्तियों का आकार 6 से 18 इंच तक होता है। घर में विसर्जित करने की सहूलियत के चलते लोग बड़ी मूर्तियों की जगह इन मूर्तियों को खासा पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।